सत्तू से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो मेरा विचार ये है कि बहुत अच्छे वेजिटेरियन वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, एग प्रोटीन है, देर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग ऑल दीज प्रोटीन सप्लीमेंट, दे मे बी हार्मफुल, दे मे बी फॉर दोज हु रियली 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 वॉन्ट टू गो टू ओलंपिक्स और सो। सो माई मैसेज इज डोंट नीड एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स एंड स्पेंड मनी, बी माइंडफुल ऑफ वॉट यू चूज फॉर ईटिंग। डॉक्टर, यहाँ पर जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं, आपने बोला कि या तो 30 मिनट्स या एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोग जिम जा रहे हैं, आप दुखी तो नहीं हो इससे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है मुझे तो ऑफिस में जिम है ना, भारत हाँ बिल्कुल है जिम है। अच्छा, उसमें आप काउंट करना कितने लोग जाते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देना बिल्कुल कितने जाते हैं, और आपके इस प्रयास के बाद में क्या 100% हो गया। आई विल फील सो हैप्पी कि नव भारत टाइम्स हैज नाउ बिकम 100% fit and healthy, trim, slim, healthy, active. Sure sir, I'll let you know. But यहाँ पर भी एक twist है। अब जिम तो जा रहे हैं लोग, उनको वेट लॉस अपना करना है, बॉडी हेल्दी रखनी है, लिवर को हेल्दी रखना है, लेकिन जो एक प्रोटीन लेने वाला है उनका प्रॉब्लम है ना, हर किसी को, वो चाहे टीनेजर हो, एडल्ट हो, या फिर मतलब जो मिडिल एज वाले लोग हो, हर कोई प्रोटीन ले रहा है, क्योंकि सबने देख लिया है इंटरनेट पे कि प्रोटीन लेना है अगर हमें एक्सरसाइज अच्छे से करनी है। तो ये प्रोटीन वाला जो पॉइंट है वो आपके लिवर को कैसे इंपैक्ट डाल रहा है? डेंजरस है, क्योंकि कई लोगों को इससे बुरा लगेगा, कईयों की शॉप कम हो जाएगी, हो सकता है कल आके कोई जना मुझे हिट ही कर दे कि यार इस बंदे को उड़ा दो। पर फैक्ट ऑफ द मैटर इज नॉर्मल डाइट, नॉर्मल फूड इज एज गुड, नॉर्मल प्रोटीन्स आर एज गुड। यस, इफ यू आर ओनली डूइंग इट फॉर बिकमिंग ए रेसलर or doing to just show off, you may take some extra proteins, but most of them are harmful. Every week I get 2-3 patients who have taken all these supplements and they have come with jaundice. So my clear message is there is no need of supplement. Improve your diet. आप सोया ले लें, चने ले लें, उसी से पहले मतलब आप कोचिंग कैंप होते थे नेशनल कोचिंग कैंप में, सुबह उसमें बड़ा वाला गिलास दूध का और एक जग के अंदर स्प्राउट्स चने, काले चने मिलते थे पूरे नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेरा विचार ये है कि बहुत अच्छे वेजिटेरियन वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं, एग प्रोटीन है, देर इज़ नो नीड ऑफ हैविंग ऑल दीज प्रोटीन सप्लीमेंट, दे मे बी हार्मफुल, दे मे बी फॉर दोज हु रियली 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 वॉन्ट टू गो टू ओलंपिक्स और सो, बट नॉट फॉर ए कॉमन मैन। सो प्लीज डू नॉट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी, एंड वे प्रोटीन्स हैं वो आप लस्सी से ले सकते हैं। You can have enough amount of proteins at all ages. Just be mindful of what you are eating. My again message is, just do not go by internet what to eat. No, read about it. For example, आप बनाना लेते हैं, आपने देखा टेनिस के सारे स्टार्स बनाना खाते, कोई भी बड़ा टेनिस मैच हो रहा हो बनाना, हमारे यहाँ कोई बनाना नहीं लेते। Very few people take apple. एप्पल से तो लोगों को बहुत समस्या है, बहुत समस्या है, बल्कि कहा भी जाता है कि एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। या एंड टू एप्पल्स अ डे कीप ऑल डिजीजेस अवे, वन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, मतलब बीमार तो पड़ गए पर हो सकता है डॉक्टर को बुलाना पड़े, पर टू एप्पल्स अ डे इज नथिंग बिकॉज इज वन ऑफ द, और छील के नहीं खाना, छिलके के साथ खाना। हाँ, ये लोगों का बहुत, मुझे लगता है ये फैशन हो गया है, जो छिलके उतार के एप्पल खाते हैं उनको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए, और जो भी लोग जिम जा रहे हैं और प्रोटीन ले रहे हैं उनको भी डॉक्टर सरीन की बात सुननी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो सत्तू वाला पाउडर है वो रिप्लेस कर देगा हमारे प्रोटीन को? सत्तू से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब सत्तू जैसी चीज़ें लोग लें। अब जैसे मेरे पास कोई आदमी आता है, अभी मैं राउंड लेकर आया, पेशेंट से पूछा मैंने, एल्डरली आदमी था, मैंने कहा भाई तू कहाँ से है? बिहार से, इस गाँव से हूँ। अच्छा, दांत सारे थे 76। मैंने कहा दांत असली है? बोले हाँ असली। मैंने कहा तू अखरोट तोड़ लेता? बोले तोड़ लेता हूँ। मैंने फिर किस बात की बीमारी है? You can find out how good your teeth is, and that shows how good you could be. Means you have good genes, and therefore I encourage you, if you are strong enough, एज तक अपने दांत बनाए रखिए, bones बनाए रखिए। बिना proteins के बनाया इन लोगों ने, इनके घर में दूध में भैंस भी नहीं थी, पर they are still doing good. So my message is, don't need extra supplements and spend money. Be mindful of what you choose for eating.